हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज का डे होने वाला है थर्ड डे, और आज मैं आ गई हूँ मॉर्निंग के सुबह 5:30 बजे। अभी सनराइज़ होने वाला है और आप देख सकते हैं एकदम लालिमा छा गई है बादलों में। सो गाइस, देख सकते हैं आप, सनराइज़ हो चुका है। सूरज जैसे लग रहा है, पानी में से निकल के ऊपर चढ़ रहा है। और यहाँ पे बहुत सुबह सुबह लोग और भी सनराइज़ को देखने के लिए आ चुके हैं, और अपनी नींद हराम करके लोग यहाँ देखने आते हैं, यहाँ का सुबह का व्यू लेने। वाव, कितना अमेजिंग व्यू है, मैंने तो अब तक पहली बार देखा। एकदम पेंटिंग जैसे मैं बनाती थी इस तरह की, बिल्कुल जैसे लग रहा है कैनवस पेंटिंग चल रही है मेरी। सो गाइज, आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, मॉर्निंग वाइब का अलग ही है। और इसी बीच मैंने अपनी पेंटिंग भी स्टार्ट कर दी है, देखिए। और इन सब के साथ साथ पेट पूजा तो ज़रूरी है। अब हमारा बुफे लग चुका था और हम सुबह के 7:30 बजे खाना नाश्ता करने आ गए थे, जैसे पोहा था, बॉयल्ड एग था, और चपाती थी, ब्रेड मक्खन था। और अगर मैं इसको ऐसे भी पूरा कर लूँ, ऐसे भी, फिर भी कुछ नहीं करेगा। सो गाइस, हमारी कैब आ चुकी थी, अब हम जा रहे हैं एलिफेंटा बीच। गाइस, हम एलिफेंटा बीच जाने के लिए, वहाँ बहुत सारी राइड्स होती हैं, उसके लिए हमें टिकट पहले से यहाँ कटा लेना होता है। और वहाँ जाके हमें नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है, तो यहाँ से ही कटा लीजिए। अगर नहीं आपको यूज़ करना है तो आप वापस आके उसको दे सकते हैं, आपको पैसे भी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जिस हम उसके साथ जाएंगे बोट के साथ, उसी बोट के साथ हमें रहना पड़ता है, उन्हीं सारे यात्रियों के साथ हमें एक जगह, हम 10, 11, 12 को इकट्ठे रहना पड़ता है। और हमने देखिए, हम लोग बैठ चुके हैं, अभी हम लोगों को लाइफ जैकेट पहना रहे हैं। सो गाइस, हम मोटर वाली बोट पे बैठ चुके हैं और ये हमें अब दूसरे एलिफेंटा बीच पे यहाँ से लेके जाएगी। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं, हमारा एलिफेंटा बीच आ चुका है। यहाँ पे खूब सारी, आप देख सकते हैं, राइड हो रही हैं, जेट स्की चला रहे हैं, यहाँ पे सारी राइड्स होती हैं। अब हम अपनी राइड का वेट कर रहे हैं और देख सकते हैं आप कितने सारे यहाँ पे लोग एडवेंचर करते हैं, पैराग्लाइडिंग, जेट स्की। सो गाइज, मेरे हस्बैंड अब सी वॉक के लिए जाएंगे, और ये यहाँ पे स्टेशन इन्होंने समंदर के बीच बनाया हुआ है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन का वो रखा हुआ है, ऑक्सीजन देते हैं सी वॉक के लिए। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे नीचे बैठ के यहाँ पे वेट करना होता है, वेट अपने टाइम के लिए, अपना जब आपका टर्न आता है तब आप जाते हैं सी वॉक के लिए। सो गाइज, यहाँ इंस्ट्रक्टर समझा रहा है कि कैसे आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं अंदर जाके, पानी के अंदर, वो बहुत ध्यान से सुनना होता है और फॉलो करना होता है। मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, अब ये देखिए जा रहे हैं, अब ये इनको पहना देंगे ऊपर, तो इनको उससे ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और ये एक गोताखोर खड़े हैं बगल में, वो लेके जाएंगे इनको पकड़ के, आप देख सकते हैं। अब ये इसके ऊपर ये जो हैट जैसा है, हेलमेट जैसा भारी सा, उसको उठा के इनके सर के ऊपर रख देंगे और उससे इनको ऑक्सीजन मिलेगी। ये चले गए हैं। आप अपने बैठ जाइए।
खड़े खड़े यहाँ पे जब ये सी वॉक के लिए गए थे तो मैंने समंदर के अंदर इतना दिख रहा था, देखिए कितनी सारी फिशेस दिख रही हैं उनका झुंड, और बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, उनको देख रही थी इधर से उधर, इधर से उधर जा रही थी, इतना साफ़ है पानी यहाँ का। तो गाइस ऑक्टोपस राइड की बारी है, अब हम इस एडवेंचर करने के लिए रेडी हैं। एक तरफ मेरा बेटा बैठा हुआ है, एक तरफ मैं बैठी हुई हूँ। मैं बैठ नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से बैठ पाई हूँ, और अब देखते कितना मज़ा आता है। मुझे लग रहा है आई होप बहुत मज़ा आने वाला है, कि बहुत दूर समंदर के बीचों बीच ले जाते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर ये खूब घूमता है राउंड राउंड करके बहुत ज़ोर से, बहुत मज़ा आता है। तो गाइस हमने बहुत सारी राइड्स की, जेट्स की और मिकी माउस राइड भी मेरा बेटा भी करने जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं वेटिंग में है, एक सिंगल था उसको लेके गए। अब हम वापस जा रहे हैं, लौट रहे हैं अपने बीच की तरफ। अब हम वहाँ से अपने होटल रूम में जाएंगे और मुझे अपनी पेंटिंग भी कंप्लीट करनी है, तो साथ बने रहिए। देखिए ये हमारा आ गया है, और ये मैंने अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर दी जो मैंने वहाँ लाइव बनाई है, देख सकते हैं आप। ये मैंने लाइव देख के बनाई थी, और मुझे लाइव पेंटिंग करना बहुत पसंद है, और थोड़ा सा धूप का प्रभाव कम हो गया था, क्लाउडी सा मौसम हो गया था। सो गाइस रात हो चुकी है और हमारी कैंडल लाइट डिनर है, और अभी सब प्रिपरेशन चल रही है। हम डिनर करेंगे, नाइट वॉक करेंगे और सो जाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अब देखते हैं, हम थर्ड डे हो गया, फोर्थ डे में कहाँ जाते हैं, बने रहिएगा साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।